आज का दिन मुझे यहाँ सम्मान मिल रहा है, बहुत काम तो कर रही हूँ, परिवार को समय नहीं दे पाती हूँ। इतना लोग बुलाते हैं कि मैडम आ जाइए प्लीज, बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को जागरूक करने की। तो आज क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना है, मैं कहना चाहूँगी, छोटी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि हमारे पास समस्याएं बहुत हैं, लेकिन न्यायालय हमारे लिए नहीं है। हमारे पास हाथ हैं पर रोजगार नहीं है, भूख है लेकिन खाना नहीं है, और पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कितना संघर्ष करें, क्योंकि हमारे पास आडम्बर है, अम्बेडकर नहीं है। आडम्बर को छोड़ के अम्बेडकर का साथ पकड़ेंगे तभी हमारे पास सभी कुछ होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आज बाबा साहब की मूर्तियाँ हम लोगों ने सभी जगह लगा दी हैं। जब मैं गांव में जाती हूँ तो सबसे पहले मूर्ति देखने को मिलती है। जहाँ भी SC के जाटकों के मोहल्ले होते हैं, वहाँ सबसे पहले पूछो तो अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी होगी कि यहीं से शुरू होता है। और वहाँ देखो तो खंडित मूर्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इतनी मूर्तियाँ टूटी होती है। बड़ा दुख पहुँचता है कि इतना बड़ा समाज है हमारा, 85% इस देश में, और फिर भी हम एक बाबा साहब की मूर्तियों को नहीं बचा पाते, उनके आंदोलन को नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि अपनी मूर्तियाँ, अपने बाबा साहब को हमने खुले में छोड़ के दूसरों की मूर्तियों की पूजा करने में हम लगे हैं, इसलिए नहीं बचा पाते। तो सबको छोड़ के आंदोलन ऐसे नहीं चलते बिना पैसे के। पैसा बहुत लगता है और हमारा पैसा जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसे वहाँ से रोकिए। अपने आंदोलनों को चलाने के लिए पैसा दीजिए। सभी लोगों से मेरा यही आह्वान है, इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए भी पैसे लगते हैं, हर चीज़ में पैसे लगते हैं। तो पैसा जो है वो सही जगह पे खर्च करो, अपने परिवार में, बच्चों में, शिक्षा पे, और उसके बाद आंदोलन के लिए दीजिए। यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।